जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं होम क्रेडिट लोन एप्लीकेशन का। जैसे कि देख सकते हो 4.4 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है और 10 मिलियन से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। भाई एप्लीकेशन तो ट्रस्टेड है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, लेकिन आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं कि इस पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट लगता है, कितनी प्रोसेसिंग फीस है, कितना आपको टेन्योर मिल जाता है और इसके प्रो एंड कॉन्स क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले इनकी जो सैलरी रिक्वायरमेंट होती थी वो 15,000 थी, लेकिन ये अभी आप कहते हैं कि आपकी जो इनकम है वो 25,000 होनी चाहिए। वेबसाइट पे अलग दिखता है, एप्लीकेशन में अलग दिखता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी सिविल स्कोर 700 से ज्यादा है और अगर आपकी इनकम भी भाई 20,000 के करीबन आती है तो आपको यहां से लोन मिल जाएगा। और लोन अमाउंट आपको कितनी मिलती है, देखो भाई मिनिमम 25,000 रुपए मिलते हैं और जो मैक्सिमम आपको मिलते हैं 5 लाख रुपए। ठीक है, इन्होंने दो टर्म एंड कंडीशन बताई है। अगर आप एग्जाइटिंग कस्टमर हो होम क्रेडिट के तो आपको 5 लाख मिल सकता है, नहीं तो आपको 2.5 लाख तक ही मैक्सिमम लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। तो एक चीज मैं बताता हूँ, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोन प्रोवाइड करते हैं, अभी से नहीं भाई, बहुत पहले से लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन इनके कई कई जगह पे आपको ऑफिस भी मिल जाएंगे यहाँ पे होम क्रेडिट के। बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, तो भाई देखो आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और कुछ कुछ सिनेरियो में आपसे बैंक स्टेटमेंट आपकी मांग सकते हैं कि आपकी इनकम वेरीफाई करने के लिए। और कई कई लोगों को प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल जाता है तो उनसे इनकम प्रूफ भी नहीं मांगी जाती। एंड बात करें यहाँ पे आपको कितना टेन्योर मिलता है, तो भाई देखो टेन्योर आपको काफी फ्लेक्सिबल मिल जाता है, 12 महीने से लेकर 48 महीने का यहाँ पे आपको टेन्योर मिल जाता है, मतलब 4 साल का आपको मिल जाता है टाइम। ठीक है, फ्लेक्सिबल तो लग रहा है, लेकिन अब इसके इंटरेस्ट रेट भी जान लो। इंटरेस्ट रेट सुनोगे तो भाई हो चक्के हो जाओगे थोड़े से। तो भाई इसका जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है पर एनम का, वो होता है मिनिमम 24% है। ठीक है, मिनिमम है ये, अभी मैक्सिमम मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे भाई क्या बात कर रहा है, इतना किसी को थोड़ी ब्याज लगता होगा। तो भाई मैक्सिमम इसका इंटरेस्ट रेट है 56.5%, मतलब 56% का आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है भाई पर एनम का। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आगे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे भी बताऊंगा। तो भाई देखो इसका प्रोसेसिंग फीस भी हम जान लेते हैं कि यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लिखी हुई है 0% से लेकर 5% तक। अब 5% भी अगर देखो यहाँ पे लोन अमाउंट ना कम नहीं मिलता, मिनिमम इन्होंने बता रखा है भाई 25,000 रुपये मिलते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा लोगों ना 75,000 1 लाख रुपये तक का भाई यहाँ का लोन मिल जाता है। ठीक है, तो मान लो 1 लाख का लोन आपको मिल रहा है, 5,000 रुपये तो आपकी प्रोसेसिंग फीस कट गई। ठीक है, और साथ में अगर यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट अगर आपको ज्यादा तब लगेगा जब आप टेन्योर बढ़ाओगे। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई 1 लाख रुपए ले रहा है तो उसका टेन्योर ऐसा तो नहीं करेगा 12 महीने का, फिर उसको लगेगा नहीं भाई ईएमआई बहुत ज्यादा लग रही है, तो फिर वो क्या करेगा अपने भाई टेन्योर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए टेन्योर को बढ़ा देगा, भाई 2 साल कर देगा, 36 महीने कर देगा। तो अब यहां पे फैक्टर आता है कि जब इंसान 36 महीने का टेन्योर कर देता है ना, तो नॉर्मल सी बात है जितना आप टेन्योर बढ़ाओगे उतना आपका ब्याज भी बढ़ेगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपको कुछ हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी भी लोन के लिए प्रोवाइड की जाती है, अगर आप उसको भी टिक करोगे तो उसके भी अलग चार्जेस रहते हैं, 500 रुपए 400 रुपए उनके कुछ चार्जेस रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो चार्जेस भी देने पड़ेंगे, प्रोसेसिंग फीस भी, हाँ उसको आप अनटिक कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बंदे भाई ले ही लेते हैं कि चलो ले लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का जो मिल रहा है। ठीक है, और इनका जो पैसे होते हैं उसके लिए आपको ऑटो डेबिट ऑन करना पड़ता है, खुद आप पे कर सकते हो लेकिन आपको ऑटो डेबिट ऑन करोगे तभी आपका ये लोन डिसबर्स होगा, नहीं तो नहीं होगा जब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब देखो अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया था, एग्जाम्पल के तौर से हम समझ रहे थे, ठीक है 1 लाख के लोन के ऊपर मिलेगा आपको 95,000 रुपीज अगर आप हेल्थ वाला इनका इंश्योरेंस और नहीं करोगे। ठीक है, और पैसा डिसबर्समेंट कितने टाइम में होता है, जो पैसे आपके डिसबर्स होते हैं भाई देखो ये कहते हैं 15 दिन तक का समय लग सकता है इसको ट्रांसफर होने में, लेकिन एक चीज बताता हूं, अगर आपके जो डॉक्यूमेंटेशन हो गए, केवाईसी हो गई, सब वेरीफाई हो जाएगी तो 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन में आपका जो पैसा है वो डिसबर्स हो जाएगा। ठीक है, पूरा नहीं आएगा, प्रोसेसिंग फीस कट करके आपके पैसे आ जाएंगे, लेकिन 95,000 रुपए आपके आए हैं। ठीक है, 1 लाख के लोन के ऊपर, और उसके ऊपर जो ब्याज लगा है मैं मान के चलता हूं भाई अगर आप 3 साल का टेन्योर करोगे तो 30% तो भाई आपको मान लो ब्याज लगेगा ही, मिनिमम बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आपकी सिबिल स्कोर बहुत अच्छी है, अगर आप हाई रिस्क प्रोफाइल में नहीं आते तब भी आपको 30% लगेगा भाई साहब, 30%। ठीक है, और अगर आपकी सिबिल स्कोर बहुत ही मतलब मान लो हाई रिस्क में है, खराब है, तो मान लो 1 लाख रुपए का आपको 3 साल के अंदर का डबल पैसा देना पड़ेगा। और यार एक बार खुद भी अप्लाई करके दे सकते हो अगर मेरे पे आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं कंक्लूजन की, तो यार देखो इसका जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बहुत ज्यादा हाई है, तो यहाँ पे किन लोगों को लोन लेना चाहिए, देखो जिनको अगर मेडिकल एक्सपेंस है, अगर कोई वेडिंग करानी है तो यहाँ से आप लोन तो ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा इससे अच्छा भाई आप बैंक से लोन ले लो, 5-6 लाख का अगर आपको लोन वहां से मिल रहा है। हाँ कोलेटरल है भाई, उसमें कुछ दिक्कत होती है, बैंक लोन में बहुत सारे भाई कागजात ऐसे देने पड़ते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतना ज्यादा पर्सनल लोन में भाई साहब इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ेगा। मैक्सिमम बता रहा हूँ बहुत से ज्यादा 16% बैंक आपसे चार्ज करेगा, मैक्सिमम 16 से 18%। ठीक है, उससे ज्यादा वो पर्सनल लोन पे चार्ज नहीं करेगा, उसमें जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ना बैंक के बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जो होम
होम क्रेडिट में आपको लोन अमाउंट तो ज्यादा मिल रही है भाई, 2.5 लाख तक, 5 लाख तक, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं भाई कंक्लूजन की। तो यार देखो, अगर आपको सच में बहुत ज्यादा इमरजेंसी और आपको बैंक से कहीं से लोन नहीं मिल रहा तो आप होम क्रेडिट को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यार इसका जो इंटरेस्ट रेट है और जो प्रोसेसिंग फीस है वो काफी ज्यादा हाई है। प्रोसेसिंग फीस तक तो फिर भी बंदा मान जाता है, चलो 5% है, लेकिन जो भाई इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है। अगर आपको होम क्रेडिट से लोन लेना है तो आप ले भी सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने इसका एक स्मॉल रिव्यू करके आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर आपका भी कोई डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, ये रहा मेरा यूजर नेम आईडी। तो बस आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं मेरा आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।